टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें, देश में ओमिक्रॉन के कुल 23 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र राज्य में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक केस हैं और बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण का अधिक खतरा है। आईएमए ने सरकार से की वैक्सीन की बूस्टर डोज की मांग। तो फिलहाल ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रही है, ऐसे में सरकार के लिए चिंताएं बढ़ रही है। अलर्टनेस हालांकि राज्य सरकारों ने कर दिया है, लेकिन बावजूद उसके संख्या को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं, तीसरी लहर पर आईएमए की क्या वार्निंग है वो आपको बता देते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से 10 गुना तेजी से फैलता है, समय रहते उपाय नहीं तो तीसरी लहर का सामना करना पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे वैक्सीन की बूस्टर डोज। आपको बता दें, एक से अधिक बीमारियों से जूझ रहे व्यक्तियों को भी बूस्टर डोज लगाने की बात आईएमए की तरफ से कही गई है। और साथ ही आपको बता दें, यह भी कहा गया है कि 12 से 18 आयु वर्ग का टीकाकरण जल्द सरकार शुरू करे और अधिकतर आबादी को जल्द से जल्द टीके की दोनों डोज लगे, यह भी सुनिश्चित सरकार करे। तो आईएमए की वार्निंग साफ बता रही है कि स्थितियां इस वक्त क्या है। केशव मोहन मिश्रा संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, अगर हम आईएमए की वार्निंग को देखें और दिल्ली की स्थितियों को देखें तो क्या लगता है, बूस्टर डोज की मांग आईएमए की तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करने की बात आईएमए कर रहा है कि डबल डोज वैक्सीन सबको लग जाए, दिल्ली के क्या हालात है? देखिए बिल्कुल, अगर मैं बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करूं तो दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वायरस का जो पॉजिटिव मामला निकलकर सामने आया है, तमाम जो विदेश से आने वाले पर्यटक हैं उनको भी जो है जीरोन सिमरेसिंग के जरिए उनकी लैब टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे में जहां दिल्ली ऐसा प्रदेश है जो ज्यादा खतरे वाला माना जाता है, जहां पर कोई भी वायरस जब ज्यादा अपने पैर पसारता है तो दिल्ली के सामने खतरा मंडरा जाता है, ऐसे में दिल्ली को कैसे सावधान रहना है। जहां इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से दिल्ली में ये खतरा बढ़ेगा, तो उससे पहले पूरी दिल्ली को बूस्टर डोज मिल जाए, यानी दोनों डोज का जो वैक्सीनेशन का काम है वो पूरा हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वायरस का खतरा एक बार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फिलहाल में जिस तरीके से जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो पॉजिटिविटी रेट अभी बढ़ रहा है वो सकारात्मक है, लेकिन जो दिल्ली सरकार की तैयारियां हैं, सरकार की जो सजगता है, वो साफ तौर पर तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई